हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए और इस वीडियो को देखते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में कंपैरिजन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चार्ट में बताया था भी कैसे कैसे हम सीरीज को कन्वर्जन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा था कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट में क्या है? कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें थोड़ा सा रिजल्ट है वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सीरीज को कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट प्रूफ करेंगे। अब कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? गिवन अ सीरीज, हमारे पास एक सीरीज गिवन है ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, नॉन नेगेटिव टर्म्स। हमने बोला था ना जो सीरीज होती है वो ऑल पॉजिटिव टर्म्स होती है, नॉन नेगेटिव टर्म्स लिखाओ दैट मींस ऑल टर्म्स क्या होगी, पॉजिटिव। अब आपके पास सीरीज है यूएन, वो नॉन नेगेटिव टर्म, आपने यूएन को प्रूफ करना है वो कन्वर्जेंट है कि बी डिवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट डिवर्जेंट प्रूफ करने के लिए, गिवन सीरीज के लिए, हम लोग पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी एन, एक और सीरीज फाइंड आउट करेंगे दैट इज नेम बी एन। और हमारा स्टेप सेकंड क्या है? लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन बाय बी एन फाउंड आउट करेंगे। पहले हम बी एन फाउंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस, उसके बाद हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे यू एन बाय बी एन। ये हमारे पास कुछ भी एल आ जाती है, जो एल है वो क्या होगी, पॉजिटिव प्लस कुछ फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, पॉजिटिव प्लस फाइनाइट वैल्यू। अब आपके पास अगर ये लिमिट फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो इसके बाद हमने देखना है कि यू एन कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट। तो यू एन कन्वर्जेंट डिवर्जेंट होगी अकॉर्डिंग टू बी एन। तो हमारा स्टेप थर्ड जिसमें हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या है? इफ बी एन इज कन्वर्जेंट, अगर बी एन कन्वर्जेंट है इंप्लाइज दैट समीशन यू एन इज कन्वर्जेंट। इफ बी एन इज डिवर्जेंट इंप्लाइज दैट समीशन यू एन, जो गिवन सीरीज है, इज अ डिवर्जेंट। हमारी कन्वर्जेंट ऑफ डिवर्जेंट यू एन की वो बी एन पे डिपेंड करती है। बी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन कन्वर्जेंट, बी एन डिवर्जेंट है तो यू एन डिवर्जेंट, बी एन इज डिवर्जेंट। अब हमारे पास यू एन सॉरी बी एन है वो कन्वर्जेंट और बी एन डिवर्जेंट, वो कैसे मालूम होगा? मैंने आपको चार्ट में बताया था एक कंपैरिजन टेस्ट के लिए एक हेल्पिंग टेस्ट यूज होगा दैट इज अ पी टेस्ट, दैट मींस पी सीरीज टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या है पी सीरीज टेस्ट में, क्योंकि जो हमारी वन बाय सॉरी जो हमारी बी एन आएगी वो ऑलवेज वन बाय एन रेस टू पावर समथिंग होगी, एन की कुछ ना कुछ पावर होगी। तो पी सीरीज टेस्ट में आपके पास वन बाय एन रेस टू पावर पी है, वन बाय एन रेस टू पावर पी। इस टाइप की पी आपके पास कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकती है काउंटिंग में पी। तो अगर आपके पास इस टाइप की वो बी एन आ जाती है चूज करके तो ये इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी कब? व्हेन पी इज ग्रेटर देन वन, अगर पी वन से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी ये कन्वर्जेंट। और इस डिवर्जेंट, ये डिवर्जेंट हो जाएगी कब? When P is less than equal to one, अगर हमारी equal to one आ जाती है और less than one आ जाती है तो सीरीज क्या हो जाती है? Divergent। अब हम सोचें, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट के बारे में बताया था ना, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1, अब यहाँ पे n इज पावर 1 तो 1 बाय n हो गया, 1 बाय n ये किस फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में है, तो ये 1 बाय n क्या हो गया, डिवर्जेंट हो गया। हमने 1 बाय n सीरीज के अकॉर्डिंग क्या किया था, डिवर्जेंट बाय कोशी सीक्वेंस। देखो ऑल केसेस में ये क्या आ रही है, वन बाय एन सीरीज डिवर्जेंट आ रही है, बट हम तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो कंपैरिजन टेस्ट के बारे में डिस्कस। ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट का रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा माइंड में बिठा लो फिर हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। बस कुछ भी नहीं है, जो सीरीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग बी एन चूज करो।
और हमारा बी एन लिमिट निकालने के बाद फिर बी एन कन्वर्जन डिवर्जेंट देख लो, बी एन कन्वर्जन डिवर्जेंट ऑलवेज इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट। अब हम इसके बारे में एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीरीज गिवन है 1/2 रेस्ट पावर 3 प्लस 2/3 प्लस 4/4 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा 1, 2, 3 प्लस एसो। अब आपके पास ये सीरीज गिवन है, आपने इस सीरीज को चेक करना है ये कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है। तो कैसे करोगे, पहले तो हम un निकाल लें, इसमें un गिवन नहीं है, तो un कैसे निकालेंगे, बड़ी इजी है, देख लो कैसे हमारी समीशन un बनेगा 1, 2, 3 ये कंटिन्यू चल रहा है, दैट मींस अंडर रूट में पहले तो n आ गया, अब डिनोमिनेटर में 2, 3, 4, 5 That means, ऊपर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, दैट मीन्स इससे एक ग्रेटर है, n प्लस 1 बन रहा है, अगर 2 था तो 3 आया है, 3 है तो 4 आया है, रेस्ट पावर 3, 3, 3, 3, 3, 3 हो गया ये un आ गई, जो सीरीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया हमारी un आ गई। ये तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट हो सकती थी गिवन में, हमारे पास ये गिवन था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये गिवन थी, अब हमने यूज करना है कंपेरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट स्टेप बी एन फाइंड आउट करनी है, और बी एन कैसे फाइंड आउट करनी है, बी एन के बारे में बुक्स में लिखा नहीं होता, भी कैसे फाइंड आउट करनी है, बी एन कैसे फाइंड आउट करोगे, न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर में हायर पावर ऑफ एन, एन हायर पावर ऑफ एन और डिनोमिनेटर में हायर पावर ऑफ एन, दोनों की हाई पावर को लिख लो वो आपकी क्या आ जाएगी vn, उसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपकी vn स्मॉलर आ जाएगी। अब देखते हैं vn कैसे होगी, अगर इसकी हम न्यूमिनेटर में पावर देखें तो न्यूमिनेटर में पावर क्या आएगी, अंगूर भी तो साथ में लेंगे हम, n रेस्ट पावर 1/2, न्यूमिनेटर में तो हायर पावर ओनली 1 ही था 1/2, अगर डिनोमिनेटर में देखें तो n रेस्ट पावर 3 यही होगा आपके पास, और उसके बाद ऊपर में आपके पास रूट है, दैट मीन्स 3/2 हो गया, डिनोमिनेटर की हायर पावर एन की कितनी होगी 3/2, ये आपकी आ गई डिनोमिनेटर की, न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर की। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, एन रेस्ट पावर अगर सोचोगे 1/2 माइनस 3/2 कितना आ गया आपके पास, एन रेस्ट पावर 2/2 माइनस 1 आ गया ये, दैट मीन्स 1/n क्या आ गया, बी एन इज 1/n आपके पास बी एन ये आ गया, बी एन चूज करना इज वेरी इजी, हाई पावर और हाई पावर, अगर किसी केसेस में बी एन नहीं चूज होगी तो हम उन केसेस में इनके लिए हम क्या लगा लेंगे, डी एल वन रेशो टेस्ट या रेबिस टेस्ट, ऐसे टेस्ट लग जाएंगे अगर कंपेरिजन टेस्ट फॉलो नहीं हो रहा, बी एन चूज नहीं हो रही हमसे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी यू एन बाय बी एन, अब हम इसे निकालें, लिमिट n approaches to infinity un by bn, अब un आपके पास कितनी है, n raised to power 1/2 अंडर रूट में लिख लो इस बार इसको अंडर रूट में, अपॉन n प्लस 1 raised to power 3 डिवाइड बाय है bn कितना था आपके पास 1/n, अगर हम इसको वैसे लिख दें तो क्या हो गया ये n by 1 हो गया, ये n by 1। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे इसको, कॉमन निकाल के कटिंग कर देते हैं हम इसकी, n डिनोमिनेटर में हायर पावर कितनी है आपके पास, n क्यूब, दैट मीन्स आप n क्यूब कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर 3 आ गया, एक कैंसिल होगी इसके पास, n बाय 1 तो आपके पास है, अंडर रूट में 1/n² 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर क्यूब इंटू एन बाय 1, अभी स्केयर था, अगर सोचे स्केयर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 1/n अंडर रूट में 1 अपॉन 1 प्लस 1/n³ इंटू एन बाय 1, अब इस n के साथ ये वाली n हमारी क्या होगी कैंसल, लिमिट नहीं डाला सॉरी, अच्छे लिमिट डाल लेना सबके आगे,
तो हमारा क्या आ गया, लिमर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमर 1 प्लस 1 बाय n रेस टू पावर q, हमारा यही आया है सॉल्व करके। अगर अब हम लिमिट अप्लाई करें, 1 बाय n इंटू क्या हो गया 0, 1 अपॉन 1 अंडर में 1, दैट इज क्या आ गया आपके पास 1। तो अब जब हमने लिमिट निकाली इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड लिमिट लेते हैं l, l कितना आ गया 1, पॉजिटिव है, फाइनाइट वैल्यू है, ये हो गया अब हमारा पॉजिटिव और फाइनाइट वैल्यू सेकंड स्टेप। अब हमने देखना है भी जो un था वो कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है। अब हम देखने के लिए vn देखेंगे, हियर इसको लिख देंगे पॉजिटिव प्लस फाइनाइट, ये पॉजिटिव भी आ गया और फाइनाइट भी आ गया। अब हियर जो vn है दैट इज अ 1 बाय n, 1 बाय n आया था vn। अब यहाँ पे p की पावर क्या होगी 1, अगर p 1 हो जाता है तो क्या हो जाती है डिवर्जेंट। हेयर बाय p टेस्ट p इज 1, सो vn इज डिवर्जेंट। अगर vn डिवर्जेंट होगी तो स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग समीशन un विच इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 रेस्ट पावर 3 इज डिवर्जेंट सीरीज। तो हमारी ये सीरीज क्या होगी डिवर्जेंट सीरीज होगी। कुछ भी नहीं था, सीरीज गिवन थी, पहले हमने bn फाइंड आउट किया, bn कैसे फाइंड आउट करना है, हायर पावर ऑफ डिनोमिनेटर और हायर पावर ऑफ डिनोमिनेटर दोनों को लिख लो, कैलकुलेट करो, आपकी vn आ जाएगी। उसके बाद लिमिट निकाल लो, अगर लिमिट्स आ गई आपकी फाइनाइट और पॉजिटिव फिर vn को ही चेक कर लो, जो 1 बाय n थी वो कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट, अगर डिवर्जेंट है तो un डिवर्जेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये सिंपल टेस्ट है हमारा अप्लाई हो जाए। ये थी हमारी कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जांपल, हमने इस वीडियो में ओनली वन एग्जांपल डिस्कस की है। आपको एक बात ये भी बतानी थी कि सीरीज में हम bn सेलेक्ट करते हैं वो हाई पावर के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिसमें vn की सिलेक्शन थोड़ी डिफरेंट तरीके से की होती है, कुछ अल्टरनेट सीरीज में थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हम अल्टरनेट सीरीज के लिए अल्टरनेट सीरीज वाला मेथड ही यूज करेंगे, और जिनमें हमें vn समझ में नहीं आता भी कैसे यूज किया है इन्होंने तो उनमें जरूरी नहीं है कि हमने कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है, तो उनमें हम डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट जो हमारा रैबिस टेस्ट है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। बट हमने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस किया है, इसके बाद इससे रिलेटेड अगर आप आते हैं कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड भी कुछ और एग्जांपल भी एक्सप्लेन की जाए तो आप मुझे मेरे कमेंट में लिखें, तो मैं इससे रिलेटेड आपको और एग्जांपल भी दे दूंगी भी कैसे हम vn सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो बन गया।